आतिफ, खैरियत तो है ना आतिफ? बाहर तुम्हारी बाइक खड़ी देखी तो आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? इतनी गर्मी में बैठे हो यार, अगर लाइट नहीं है तो कम से कम बंदा दरवाजा ही खोल लेता है। यार इसको तो बंद करो, सर में दर्द होने लगता है, बंद कर दो इसे। यार पागल हो क्या? इतनी घुटन में कौन रहता है? मैं इससे कहीं ज्यादा घुटन में जीने का आदी हो चुका हूँ या कुछ भी नहीं। यार कभी कभी तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती मुझे। मैं तो ये कह रहा था कि नई नई जॉब है, अभी से छुट्टियां मत करो, वरना ऑफिस वाले बर्दाश्त नहीं करते, फौरन ही कोई दूसरा बंदा पकड़ लेते हैं। मैंने छुट्टी नहीं की, ऑफिस वालों ने करवा दी है छुट्टी जबरदस्ती। क्या बहुत ही बुरी नजर लगी है अम्मा, मेरा कोई भी काम सीधा होता ही नहीं है और जो काम बन भी रहा होता है ना वो भी बिगड़ जाता है। देख तो लिया होगा आपने। अब खुदा हाजतों को पूछे बेटा, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम फिक्र क्यों करती हो बेटा? सारी दुनिया कराची जाकर पैसे कमा लेती है, अरसला ने पूरा घर पैसे से भर दिया, सारा खानदान उसके एहसान तले दबा है। मैंने सोचा आतिफ कराची जाएगा, ढेर सारे पैसे कमाएगा तो मैं अरसला का पैसा उसके मुंह पर मार दूंगी, लेकिन नहीं, खुशियां मेरे नसीब में ही कहा। वो महीने भी नहीं हुए और आतिफ की नौकरी खत्म। मिल जाएगी उसे दूसरी नौकरी, उस तो फिर रोने धोने की क्या बात है इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब बैठो बैठो। थैंक यू सर। सफदर तुमने मालूम किया आतिफ के बारे में? जी सर, जिस कंपनी के थ्रू वो तहसीन साहिबा के ऑफिस आए थे वहां उन्होंने पिछले ही महीने जॉब स्टार्ट की थी। थी क्या मतलब? मेरा एक दोस्त उस कंपनी में पुराना एम्प्लॉय है, उसने मुझे बताया कि तहसीन साहिबा के ऑर्गेनाइजेशन ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया, जिस पर मालिकान ने सारी जिम्मेदारी आतिफ साहब पर डालकर उन्हें जॉब से फायर कर दिया। एक काम करो सफदर, आतिफ को अपने दोस्त के थ्रू कांटेक्ट करो, लेकिन मेरे ऑफिस मत बुलाना, हमारी दूसरी ब्रांच में बुलाना, समझ गए? ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा, आप बेफिक्र रहें। ये तुम्हारा नाशुकरापन है ना, वो तुम्हारे सामने आया। मना करती थी कि बात बात पे अरसला के पीछे ना पड़ा करो, लेकिन नहीं, वो गरीब किसी को क्या कहती है आखिर? आपको तो बुरा लगना ही था ना खाला, आपको तो अरसला का ही गम लगा हुआ था। कब बस ना चले तो आप मुझे तलाक दिलवाकर अरसला को यहाँ ले आए। बेटा तो आपका पहले से ही उसके इश्क में डूबा हुआ है, कराची भी वो उसी के चक्कर में गया है ना, मैं सब जानती हूँ, ये सब आपकी साजिश है। ये आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? भाई आपके इदारे में मैंने अपनी माँ को मुफ्त में नहीं रखा हुआ, अच्छी खासी रकम देता हूं, उनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह बार बार फोन करके मुझे परेशान मत क्या करें। इदारे की फीस पे करना लाजिम है बासी साहब, आप कोई हम पर एहसान नहीं कर रहे। ठीक है, उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी खराब सेहत की इत्तला देना भी जरूरी है। मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आपको आना ही होगा, वरना इदारे की गाड़ी आपकी वालदा को आपके घर छोड़ाएगी। वो आप बीजान को घर मत छोड़ने आइए प्लीज। देखिए आप समझने की कोशिश करें, आप उन्हें वहीं रखिए, इस उम्र में तो बीमारियां होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उन्हें घर नहीं ला सकता, आप उन्हें वहीं रखिए। मैं कल खुद हाजिर होऊंगा वहां पे, मैं भी जान को समझाने की कोशिश करूंगा, आप परेशान ना। जी सर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अम्मा ना हमें कभी चैन से नहीं रहने देंगी, ये तो मैं जानती थी, लेकिन अब क्या नया तमाशा खड़ा कर दिया उन्होंने? खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया,
न किसी की बात का जवाब देती है, न किसी से बात करती। सब ड्रामा है बासित, यहाँ तो उनको इतनी भूख लगती थी, वहां कैसे खाना पीना छोड़ दिया। सुने, छुप छुपा के कुछ खा लेती हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना वहां जाने की ना ही उनके फोन उठाने की। कमाल करती हो तुम भी भाई, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि हम बीजान को आपके घर छोड़ जाएंगे। मुझे एक बार जाना तो पड़ेगा, जाऊंगा, बीजान को समझाऊंगा। आ गया उनको समझ, सारी जिंदगी वो टेंशन ही बनी रही है हमारे सर पे। हमारी आतिफ से बात हो गई, क्या कहा उसने, वो आ रहा है? जी सर, उन्हें जॉब के ऑफर दे दिए। मेरे दोस्त कह रहे थे वो हैरान भी हैं और उन्हें यकीन भी नहीं आ रहा, कल इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, तुम उसे खुद मिलना, मैं चाहता हूँ कि हर कीमत पर वो ये जॉब करे। जाहिर सी बात है सर, जो पैकेज हम उन्हें दे रहे हैं वो कोई और कंपनी उन्हें नहीं देगी। इनफैक्ट उन्होंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें घर बैठे इस तरह की मुलाजमत ऑफर होगी। सर ऑफिस के लिए चलना चाहिए, देर हो रही है। यार चाय वाय तो कोई खास बनानी नहीं आती मुझे, लेकिन मजबूरी है, चाय के बगैर तुम्हें पता है गुजारा भी नहीं। लेकिन अब खाली चाय से काम नहीं चलेगा, ट्रीट देनी होगी तुम्हें, और वो भी बहुत ही आला किस्म की। यार ट्रीट तो मिल जाएगी, पहले नौकरी तो मिल जाए। मुझे तो लग रहा है वैसे किसी ने मजाक ही किया यार, भला इतनी आसानी से जॉब कौन देता है। किस्मत मेहरबान हो तो सब कुछ हो जाता है, और फिर ये बात तो सच है कि खुदा एक दरवाज़ा बंद करता है तो 70 खोल देता है, तो फिर इसमें हैरत की क्या बात है। बस दुआ कर यार अब काम बन ही जाए, अपनी किस्मत पे एतबार नहीं रहा मुझे, इतना कुछ खो चुका हूँ कि हर चीज़ बेमायने लगने लगी है। जिंदगी की गाड़ी को धक्का देने के लिए एक नौकरी तो ज़रूरी है, वरना पता है मेरा दिल क्या करता है। मेरा दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मैं कहीं दूर चला जाऊं। फिलहाल तुम दूर जाने के बजाय कल इंटरव्यू के लिए जाओगे। वैसे चाय तुम अच्छी बना लेते हो। तैयार क्यों नहीं हुई, देखो तो कितना वक्त हो गया है। मुझे नहीं जाना, आप चली जाएं। मैं अकेली कैसे चली जाऊं, तुम्हारी सहेली की शादी है ना, तो वहां सब लोग तुम्हारे बारे में पूछे, मैं क्या कहूंगी उनसे। चलो उठो बेटा, तैयार हो, जल्दी करो। आपको मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, क्यों पड़ जाती है एक ही बात के पीछे। बेकार में बात को मत बढ़ाओ, हर वक्त का गुस्सा अच्छा नहीं होता। चलो उठो तैयार हो जाओ, ये देखो ये जोड़ा बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। आप मेरी बात एक बार में क्यों नहीं समझ लेते खाला, नहीं होना मुझे तैयार। किसके लिए तैयार हूँ मैं, किसके लिए सर पर कपड़े पहनूं, किसके लिए सजू सजूं। ऐसे भी कुछ भी कर लूंगी तकदीर थोड़ी बदल जाएगी मेरी, होंगी तो वही ना कम नसीब नहीं माँ। अल्लाह से खैर की दुआ मांगो नहीं माँ, अल्लाह मेरे आतिफ को सलामत रखे। तुम उसकी बीवी हो बेटा, ऐसी बातों से मुझे वहम आता है। ऐसे भी शादीशुदा लड़कियों को ऐसे उजाड़ हालत में नहीं रहना चाहिए जैसे तुम रहती हो। जिनका दिल उजड़ चुका हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हाला, अगर ये सब मैं पहन भी लूंगी और किलो भर मेकअप थोप कर भी चली जाऊंगी ना, तब भी लोगों के सवाल वही रहने। क्या हो गया नईमा, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, आतिफ बुलाता नहीं है कराची क्या? लगता है बुलाना ही नहीं चाहता कराची, बड़ी ज्यादती हुई है उसके साथ।
तुमने उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों मना कर दिया अरसला? इतनी अच्छी ऑफर थी। I'm sorry, तहसीन माजी। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो भी आपसे पूछे बगैर। अगर पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। आखिर ऐसी क्या बात थी अरसला, बताओगी मुझे अगर तुम मुनासिब समझो तो? मैंने आपसे कभी कुछ छुपाया तहसीन माजी? आपको पता है कंपनी की तरफ से कौन आया था? आतिफ। वही आतिफ ना? तो फिर क्या हुआ अरसला? ये तो अच्छी बात है कि आतिफ ने अपनी आंखों से तुम्हें इस मुकाम पर देख लिया है। काश काश मैं वहां होती तो देखती उसके चेहरे का रंग किस तरह उड़ा होगा। पता नहीं कैसे होना चाहिए, मगर आतिफ को देख के मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत तकलीफ हुई मुझे। ऐसे लगा जैसे मेरे पुराने सारे जख्म ताजा हो गए और उनमें से दोबारा से खून बहने लगा है। मगर जो भी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सॉरी की कोई जरूरत नहीं, तुमने जो मुनासिब समझा तुमने वही किया। तुम्हें पता है उस कंपनी के मालिक का मुझे फोन आया था, उसने मुझसे माजरत भी की और मुझे बताया कि आतिफ को जॉब से निकाल दिया। निकाल दिया? ये तो बहुत गलत हुआ है। नईमा से तो छोटी सी परेशानी नहीं सही जाती, पता नहीं आतिफ की बेरोजगारी कैसे बर्दाश्त करेगी वो। बहुत मुश्किल है ये तुम्हारा मसला नहीं है अरसला, तुम्हें फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाय पियो, ठंडी हो रही है। बासित, आप जा तो रहे हैं लेकिन शेल्टर वालों को आप मुतमईन करके आइएगा कि वो हमें परेशान ना करें। देखिए, बीजान के लिए इससे बेहतर बंदोबस्त हम फिलहाल और कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूं, और बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं, और ये भी कि मुझे अब क्या करना है। मुझे तो ये डर है कि कहीं बीजान आपके साथ ही ना आ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो फिर जुबिया और शाहराम की मंगनी नामुमकिन हो जाएगी। वो अपने होते हुए ये रिश्ता कभी नहीं होने देंगी। तुम फिक्र मत करो। क्यों मैम कर रही हूं? जब मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं सब संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, अफ़ल्ला मियां। ये तुम क्या सुबह सुबह हमारे घर में आ जाती हो, हमारे घर का माहौल खराब करने? आतिफ भाई तुम्हें सुरैया खाला का ख्याल रखने के लिए क्या कहते? तुमने तो उनको और परेशान करके रखा हुआ है। मैंने तुम्हें हजार दफा मना किया ना कि मेरे मामला में नहीं बोला करो। कहा है कि नहीं कहा? अब आप इसे रोकती क्यों नहीं है? हाँ, वरना ये ग्लास शीशे मुंह में मारूंगी तुम्हारे। और तुम्हारे बस में है भी क्या जलना कुड़ना बकबक करना, और इसी तरह जल जल के मर जाओगी एक दिन, लिखवा लो मुझसे। आप बदतमीजी है। देख रही हैं आप, ये जाहिल लड़की, अब बस सही खार खाते थे तुमसे, मेरा बस चले तो। ये है मेरे सगे रिश्ते, ये है मेरे सगे रिश्ते। वाह भाई, अब्बा चले गए लेकिन अपनी जबान और अपनी सोच तुम्हें दे गए। इसे तड़ तड़ चलती है बस। जाहिल, इधर आओ, बात करो। ये जबान भी तुमने दी है, हजार मर्तबा कहा कि उसके मुंह ना लगा करो, लेकिन तुम सुनती कहां हो? आपकी अरसला से बात हुई? नहीं, लेकिन उसने पैसे कुछ भी हो जाए, आतिफ की नौकरी जाने की बात अरसला को पता नहीं चलनी चाहिए। यहाँ की बात उसको कौन बताएगा? मुझे नहीं पता कि कौन बताएगा कौन नहीं बताएगा, लेकिन उसे नहीं पता चलना चाहिए, वरना
मैं नहीं चाहती कि वो वहां पर है। इतना कुछ सोचा था मैंने कि आतिफ की नौकरी लगेगी कराची में, पैसा आएगा, नाम बनेगा। बेड नंबर 4, चलो उठो, बाल वाल बनाओ, कपड़े चेंज करो। तुम्हें पता है तुमसे तुम्हारा बेटा मिलने आने वाला है। अरे मैं सच कह रही हूँ, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा आ रहा है। इस औरत ने तो तंग करके रख दिया, घर वालों को भी इतना ही तंग करते होंगे जब भी वो उठा के इन बुड्ढों को शेल्टर हाउस में फेंक के चले जाते हैं। तुम देखो इनको, क्या मतलब? यानी मैं उस कंपनी के मालिक को फोन करके कहूं कि आतिफ को जॉब पे वापस रख ले, और वो मुझसे पूछेगा नहीं कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं जबकि हम उनके साथ काम भी नहीं कर रहे। प्लीज तहसीन भाजी, आप उनसे बात कर ले, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि किसी को मेरी वजह से जॉब से निकाल दिया गया है। क्या तुम्हें आतिफ से अभी भी हमदर्दी हो रही है अर्सला? तहसीन भाजी, आतिफ नईमा का शौहर है और नईमा मेरी बहन। आतिफ की जॉब खत्म होने का सबसे ज्यादा बुरा असर नईमा पर ही पड़ेगा और मुझे उसकी फिक्र है। आप ऐसे मत देखें, मैं बस उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। अच्छा चलो नाश्ता तो करो। आप बात करेंगी ना उनसे आतिफ की जॉब की? मैं वादा नहीं करती, कोशिश करूंगी। नाश्ता तो करो। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा, कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? बस बेटा तुम्हारा चेहरा देखने को आंखें तरस गई थी। अरे तुम ठीक तो हो ना? इतने कमजोर लग रहे हो, बीमार तो नहीं हो गए थे कहीं? जी हाँ, बस वो तबीयत खराब हो गई थी। देखा देखा, इसीलिए मेरा दिल इतना ज्यादा परेशान था। मैं जानती थी मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, जरूर कोई मजबूरी होगी उसे। बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए बेटा। बीजा, मैं यहाँ आपको आपके इलाज के लिए छोड़कर गया, देखिए कितनी अच्छी देखभाल हो रही है और आपका इलाज भी जारी। मुझे किसी इलाज विलाज की जरूरत नहीं है बेटा, आप लोग हैं यहाँ पर, और ये जो नर्से हैं ना बहुत डांटते हैं मुझे, मुझे घर ले जाओ बेटा। नहीं नहीं बेटा, देखिए मैं तो आपके भले के लिए यहाँ लाया हूँ ना, आपको ताकि आपका इलाज हो। अगर आप घर चली गई तो फिर बीमार हो जाएंगी, इसलिए मैं अभी आपको नहीं ले जा सकता। आतिफ साहब, आपकी सीवी तो मैंने देख ली है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो इस जॉब के लिए कम है।
मैं उसके बाद भी उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी कंपनी को अपना बेस्ट देंगे। जरूर सर। ये जॉब हम आपको दे रहे हैं, मुबारक हो आपको। थैंक यू सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका। इसकी जरूरत नहीं, शायद आपको मालूम होगा कि हम अपने लोगों को और दूसरे बेनिफिट्स भी देते हैं, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, अकोमोडेशन वगैरह। आपको भी मिल सकती है अकोमोडेशन, बट उसके लिए आपकी फैमिली का यहाँ होना जरूरी है। बाकी डिटेल्स आपको शायद दे देंगे। जी फाइल्स भेजिएगा रूम में। बेटा जी घर चलो, यहां मुझे घबराहट होती है, शदीद घबराहट। बेटा मैं वादा करती हूं किसी को परेशान नहीं करूंगी, मैं अपने कमरे में पड़ी रहूंगी, किसी को आवाज भी नहीं दूंगी। मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी तुम लोगों को बेटा। ये तो आपको बहुत पहले सोचना चाहिए था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं भेजा, बस अब आप यहां अपना दिल लगाने की कोशिश कीजिए। और लोग भी तो यहां रह रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं, आपको यहां क्या तकलीफ, आराम से रहें, ना दूसरों को परेशान करें ना खुद परेशान हो। फिलहाल आपको यहीं रहना है। बस मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, अभी जाऊंगी तुम्हारे साथ। बेटा खुदा के लिए मुझे यहां से ले जाओ, मुझे सब घबराहट होती है, डर लगता है मुझे। मैं थोड़ी देर में आकर आपको ले जाऊंगा, आप तैयारी कर लो। हाँ आप तैयारी करो। सच कह रहे हो ना? जी जीते रहो बेटा, जीते रहो। मेरा बच्चा, मुझे पता तुम मुझे नहीं छोड़ के जाओगे। मेरा लाड, आपको उन्हें नहीं जाने देना चाहिए था अम्मी। अब देख लीजिएगा, वो बीजन को साथ लेकर ही आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता उनका वहां पे रुकने का। अरे बेटा मैंने बहुत समझा बुझा कर भेजा है तुम्हारे पापा को, सच्ची बात तो ये है कि वो खुद भी बहुत तंग आ गए अपनी माँ से, सारी उम्र में अब कहीं जाके अकल आई है तुम्हारे बाप को, वरना माँ के अलावा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता था। पता नहीं अम्मी, पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अगर बीजन वापस आ गई ना तो मेरी और शराम की मंगनी कभी नहीं हो पाएगी, वो उस अरसला को दोबारा ले आएंगी कहीं ना कहीं से पहले की तरह। अल्लाह ना करे, उसका तो नाम भी मत लो, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है बेटा उससे। देखो उस बदसाक को ना एक बुरा ख्वाब समझकर भुला दो, अमीर लड़कों के गिर्द ऐसी लड़कियां मंडलाती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी शादी हो रही है शाहराम के साथ, तुमने और उस नीच खानदान की लड़की में बहुत फर्क है। ये तो आप कह रही है ना, लेकिन हकीकत ये है कि मर्द को सिर्फ खूबसूरत लड़कियां पसंद आती हैं, और अरसला हसीन है, ये बात मानती है ना आप?
अच्छी अच्छी सूरतों को मिट्टी में मिलते देखा है मैंने। बस तुम हर वहम को अपने जहन से छटक दो और खुश रहने की कोशिश किया करो बेटा। और बीजान, बीजान अब इस घर में तो दोबारा नहीं आती। खत्म हो गया बेटा उनका दौर इस घर से। बेड नंबर 4 क्या है? क्या वाकई तुम जा रही हो? तो और क्या, अरे मेरा बेटा आया है बासित मुझे लेने के लिए। अब मैं वापस अपने घर जाऊंगी, अपने कमरे में अपने बेड पर आराम से लेटूंगी और सुकून से सोऊंगी। तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। मैं 7 साल से देख रही हूँ, यहाँ से कोई वापस नहीं गया। जो भी आता है मर कर ही जाता है बस। ऐसी बुरी बातें मुंह से मत निकालो भाई। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो और होते होंगे नाफरमान औलाद जो अपने माँ बाप को यहाँ मरने के लिए छोड़ देते होंगे। वो बेचारा तो खुद बीमार हो गया था, तभी तो इतने दिन लग गए, वरना तो मैं कब से जा चुकी होती। इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुम खुशकिस्मत हो बहुत। चलो अब तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, मुझे अपना सामान देखने दो, कहीं कुछ रह ना जाए यहाँ पर। ठीक है ठीक है। आपके इदारे के लिए मेरी तरफ से डोनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया बासित साहब, ये इदारे आप जैसे मुखैर हजरात की वजह से अपने पैरों पे खड़े हैं। खुदा आपको जजाए खैर दे। अगर आप जैसे लोग डोनेशन देना बंद कर दें तो ऐसे इदारे चलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाए, और पता नहीं कितने लोग बेसहारा हो जाए। जी ठीक कहा आपने, हम सबको नेकी के कामों में हिस्सा लेना चाहिए और हमारा दीन भी यही हुक्म देता है। बेशक। अच्छा आप इजाजत दीजिए, मैं उम्मीद रखता हूं कि अब आपका इदारा मेरे साथ पूरा पूरा तआवुन करेगा। आप बेफिक्र रहिए बस, अब इंशाल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, आज तो बड़े आराम से दवाई पी ली। ये तो कमाल ही हो गया, अपनी जिंदगी भी आसान कर ली और हमारी भी। रहने दो ना, मुझे अब तुम्हारी दवाई की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अरे हाँ, मेरा बेटा आ रहा है ना मुझे लेने के लिए, आज चली जाऊंगी अपने घर, बस अभी थोड़ी देर में। क्या आज ही? अच्छा चलो जाओ अपना काम करो, जाकर उनको जाके पिलाओ दवा दूसरे मरीजों को, उन्हें जरूरत है तो मुझे नहीं। मगर तुम्हारा बेटा बस तो ना, कह दिया ना, क्यों बहस कर रही हो? आज अपने घर जा रही हूँ, जाओ उन्हें दवा पिला। क्या समझती थी हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए आ गई हूँ क्या मैं? वैसे पता नहीं कैसी सख्त दिल औलाद होगी जो अपने माँ बाप से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाए। अल्लाह तेरा शुक्र मेरा बासित ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा। आज मैं अपने घर में होगी, आराम से सुकून से अपने बच्चों के पास। ये तो कमाल हो गया आतिफ, इतनी अच्छी जॉब और वो भी इतनी आसानी से मिल गई, और तुम फिर भी खुश नहीं हो, अब तो हंस लो यार। बस यार यही बात तो चुभ रही है मुझे,
नौकरियां इतनी आसानी से कहां मिलती हैं, और वो भी इतनी अच्छी नौकरी। कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा। यार कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम कल ही जाके अपनी ज्वाइनिंग दे दो। अल्लाह यूं ही वसीले बनाता है, और घर लेने में भी जल्दी करो, नहीं तो कोई और ले लेगा। यहाँ इतने दिन कोई नहीं छोड़ता। बस नवीद यार फैसला नहीं कर पा रहा, नईमा और अम्मी को यहाँ बुलाऊं कि ना बुलाऊं। अरे भाई 100% बुलाना चाहिए, कितने खुश होंगे वो लोग यहाँ आकर। और फिर वहाँ रखा ही क्या है जो तुमने उन लोगों को वहाँ छोड़ रखा है। आज ही फोन करके कह दो कि वो आने की तैयारी शुरू कर दे। सुन रहे हो ना तुम मैं क्या कह रहा हूँ? अरे कराची में घर मिलना बहुत बड़ी नियमत है, और अगर फैमिली का होना शर्त है तो फिर देर किस बात की। नईमा गेट की कुंडी अच्छी तरह से लगा देना, उस दिन की तरह से खुला न छोड़ देना, और फालतू बत्तियां बंद कर दिया करो भाई, हमेशा खुली छोड़ देती हो। इतना बड़ा बिल आ जाता है बिजली का, पता नहीं इस दफा आतिफ हम लोगों को पैसे भी भेज सकेगा या नहीं। मैं तुम्हें अंदर से इतनी आवाजें दे रही हूँ, कम से कम जवाब तो दे दिया करो। क्या जवाब था? ये जो रोज का सबक है जो याद हो गया मुझे, लेकिन अमल तो फिर भी नहीं होता। गेट पर ऐसे कुंडी अड़ा देती हो कि कोई भी धक्का देके खोले किसी भी वक्त। यार खाला कोई नहीं आने वाला, जो आता था ना वो चाह कर बैठ गया कराची में, और इसे हमारी कोई फिक्र कोई परवाह नहीं है। क्या मतलब है कोई फिक्र नहीं है कोई परवाह नहीं है? है उसे परवाह? मेरा बच्चा बड़ा मेहनती और जिम्मेदार है। अरे हमारी खातिर तो गया है वो बेचारा कराची। अब मैं कुछ कहूंगी तो आपको फालतू में बुरा लग जाना है, सो रहने दें आप आतिफ की तारीफ में। क्यों बदगुमानियां पालती हो तुम नईमा? खैर तुमसे तो बात करना ही फजूल है, कहीं से कहीं ले जाती हो बात को। और हाँ वो दूध की पतीली तुमने फ्रिज में रख दी कि नहीं? दूध खराब हो जाएगा। मैं भी किससे बात कर रही हूँ, फजूल है तुमसे तो बात करना, खुद ही कर लेती हूँ मैं। अब फोन तो उठा लो, आतिफ का ही होगा। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? जीते रहो, खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। क्या वाकई मिल गई नौकरी? अच्छा अल्लाह मुबारक करे बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा खुदा हाफिज़। आतिफ को नौकरी मिल गई और घर भी, हमें अगले हफ्ते बुला रहा है। मैं जाके ना तैयारी शुरू करती हूँ। अभी बत्ती बंद मत करना, जब मैं चली जाऊंगी ना तब करना। मेरा बेटा आता ही होगा ना बस अभी। अम्मा बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ। और वैसे भी अब कोई नहीं आने वाला, तुम्हारा बेटा तो कब का अपने घर पहुंच चुका होगा, वो तो जब ही चला गया था। ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे लिए बगैर कैसे जा सकता है? अरे उसको कोई जरूरी काम था, वो काम करके ना अभी बस आता ही होगा मुझे लेने के लिए। अभी चली जाऊंगी ना मैं उसके साथ।